त्रिपाठी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 19 साल में नीतीश कुमार की नीतियां बिहार की अर्थव्यवस्था और लोगों की आय में बढ़ोतरी करने में नाकाम रही हैं। 75 साल के बाद विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मुख्यमंत्री की नीतियों से विकास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाराणसी रैली करने जाएंगे। इस पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में कोई सुनता नहीं है, वो बनारस जाएंगे, बिहार की जनता ने जिनको अस्वीकार कर दिया है। मांग करें और बताएं कि 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही, अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें और ये ब्यौरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भाई देखिए, हम लोग पूर्णतः इस बात के समर्थन में हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर जब हम या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो उनको इस बात को भी स्वीकारना होगा कि 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियाँ बिहार की अर्थव्यवस्था को, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में नाकाम रही हैं। यही कारण है कि बिहार में आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की ज़रूरत पड़ रही है। राहुल जी, जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते और संभवतः चर्चा हो रही है कि दूसरा चरण होगा, दूसरा चरण ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होगा, संभवतः इस बार वो बिहार भी आएंगे, तो जब वो बिहार अगर वो आएंगे तो क्या वो इस बात से सहमत हैं कि जब तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस के हैं, जब वो इन बातों को कहते हैं। हकीकत है कि कांग्रेस की फजीहत सिर्फ इसी बात से होती और कांग्रेस जनता के बीच अपना विश्वास नहीं बना पाती इन्हीं कारणों की वजह से, जहां इनके लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस अगर, या तो आप मान लीजिए भैया कि एक क्षेत्रीय पार्टी ही बनकर रह गई है कांग्रेस, अगर सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस को राजनीति करनी है तो ये बयान बिल्कुल सही है भैया, फिर आप बाकी राज्यों के डीएनए को आप गाली दीजिए, एक क्षेत्रीय दला बन के रह जाइए।